हेलो मेरे हीरो भाई लोग, कैसे उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी मशीन की जो दिखने में तो काफी छोटी और लागत भी उसकी मात्र 1500 रुपए है, पर काम बड़ी करती है। यार आजकल हम लोग जहां भी जाते हैं या किसी शादी फंक्शन में जाए या कहीं भी जाए, यार जो सजावट होती है वो बलून की होती है। बलून की आर्क हो या बलून की पंडाल में सजावट हो, तो उसके लिए जो मशीन होती है जो बलून को फुलाने में काम आती है, या उसको बलून पंपिंग मशीन बोलो या बलून ब्लोअर मशीन बोलो, उसकी लागत क्या है, वो क्या क्या काम करती है, उससे हम लोग खरीद के मात्र 1500 रुपए इन्वेस्ट करके हम लोग क्या क्या कमाई कर सकते हैं, इस बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है रवि राज और आप देख रहे हैं EduRavi यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दे रहे हैं कि आपको यहाँ पे नए नए बिजनेस आइडिया रोजाना देखने को मिलते रहते हैं, तो आप इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों हमारे चैनल का टैगलाइन एक प्रयास है, तो हमारी प्रयास रहती है कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले देने के लिए, तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों कुछ लोगों का तो मानना है कि ये केवल लगन के ही सीजन में ये बिजनेस चलेगी, पर मैं आपको बताता हूँ कि ये बिजनेस कैसे आपको हर सीजन में चलेगी। मान लीजिए यार आजकल मॉल में जा रहे हो, इंडिपेंडेंट डे का सीजन हो या कोई सेल लग रहा है, तो आप देखे होंगे कि बलून का ही डेकोरेशन होता है, या कोई बर्थडे पार्टी है, तो बर्थडे पार्टी तो केवल लगन में होती नहीं है, वो तो सालों भर होती रहती है। तो उसके लिए आपको जो बर्थडे पार्टी में डेकोरेशन होती है वो आजकल बलून की मतलब डिमांड है, इसकी ट्रेडिंग है। तो यार आज हम बात करते हैं कि ये बलून का जो मशीन है वो कहाँ से आएगा, इसके लिए बलून कहाँ से आप लीजिएगा और क्या क्या आपको चीजें सीखनी होगी, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप कुछ डेमो वीडियोस देखिए, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर इसमें क्या क्या कमाई हो रही है और कैसे कैसे लोग आगे इस बिजनेस में हैंडल कर रहे हैं। दोस्तों भाई लोग जैसा कि आप देख सकते हो कि ये बलून से ही काफी उम्दे तरीके का डेकोरेशन हो रखी है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बलून मशीन कैसे वर्क करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो दो नोजल है वहां पे आप बलून के रख रहे हो और उसके बाद वो दोनों सिरे को आपको बांध देनी होती है ताकि जो अंदर की एयर है वो लीक ना हो पाए। बात करें तो यहाँ पे सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आप कनेक्ट करते हो जो घर पे आप लगा सकते हो, और ये पोर्टेबल होता है, आपको एक जगह से दूसरे जगह ये मशीन काफी आसानी से इस बस हैंडल को उठाइए और लेके जाइए। दोस्तों तो देख सकते हो कि ये कितने उम्दे तरीके से आपको ये आराम से बलून ब्लो हो रहा है। इसके लिए आपको एक लेवर की आवश्यकता होगी क्योंकि वो इस बलून को फुलाने में मदद करेगा। दोस्तों उसके बाद यार आप लोग देखते होंगे कि कोई पंडाल हो या कोई भी तरह का मॉल हो, उसके आगे जो गेट पे बलून लगता है वो आर्क कैसे बनते हैं उसके बारे में पहले जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि वो दो दो बलून को बांध के चार बलून का आप एक तरीके का बनाइएगा, उसके बाद एक रस्सी के अंदर उसे इंसर्ट करते जाइएगा, जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आपको एक से दो लेवर की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि यहाँ पे आपको उम्दा तरीके का काम करना होता है, और यहाँ पे जब देख रहे हैं आप कि ये लंबे तरीके का कतार बन जाएगा तो आपको कुछ नहीं करता होता है, बस इसको आर्क में आपको कन्वर्ट कर देना होता है। और काफी इसमें आपको जो बात करें कि मुनाफा तो बहुत ज्यादा है पर काम बहुत कम है। ये काम एक बार आप सीख लोगे या किसी लेबर के मदद से काम करा लोगे तो यार इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस वाली बात तो नहीं है। अब देख सकते हो यहाँ पे आपको इतना लंबा ये बलून का कतार बन गया, अब इसको इस गेट के ऊपर आपको लगाना है, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे चपका देनी होती है। ये चीजें को आप देख रहे हैं काफी उम्दे तरीके का दिख रहा है, और यार लुक भी क्या गजब दिखता है आप देख पा रहे हो। दोस्तों यार कलर की बात करें तो अलग अलग कलर अलग अलग वैरायटी में आप बलून लेके अच्छे अच्छे तरीके का आप सजा सकते हैं, जैसा कि आप ये वीडियो देख सकते हो। दोस्तों तो यार अब बात करते हैं कि आप अगर मॉल में कहीं जाते हैं तो उसकी एनिवर्सरी है या कोई सेल लगी रहती है तो वहां भी बलून के सजावट का डेकोरेशन का काफी डिमांड रहता है, या कोई आप जाते होंगे किसी मीटिंग में कॉन्फ्रेंस में तो वहां भी आप देखते होंगे बलून की ही सजावट हो रही है। आप रेडियम कलर का अलग अलग तरीके का बलून लेके जैसा आपका डिमांड हो उस तरीके का बलून सजा के आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। दोस्तों तो ये सारी चीजें हुई जो इनडोर आपको डेकोरेशन की बात हुई, अब जो आउटडोर डेकोरेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप देख पा रहे हो कि ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पे भी इसके एनिवर्सरी होगा या कुछ भी है तो यहाँ पे आपको काफी उम्दे तरीके से यहाँ पे सजाया। तो चलिए भाई लोग अब देखते हैं कि मशीन आखिर कहाँ से आती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसा कि आपको अमेजन के साइट पे लाए हैं, यहाँ पे इसकी कीमत 1450 रुपए की है और दिखने में काफी उम्दा मशीन है क्योंकि ये पोर्टेबल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग नोजल होते हैं जिसमें आप छोटा बलून को भी फुला ले सकते हैं, बड़ा बलून के लिए अलग नोजल होता है वो आपको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। जो इसकी पिछला भाग है वो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से रखने के लिए बनाया गया है। और बात करें कि अगर आप मुंह से बलून फुलाते हैं तो उसमें तो ज्यादा समय लगता है, अगर हाथ के हैंडल वाले से फुलाते हैं तो उससे कम समय लगता है, पर सबसे कम समय लगता है इससे क्योंकि 2 से 3 सेकंड में ये बलून काफी उम्दे तरीके का फूल जाता है, जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे
काफी अच्छे तरीके का लग रहा है। यहाँ पे आपको चार काम करने होते हैं, पहले आपको प्लग इन करना रहता है, उसके बाद बलून इंसर्ट कीजिए और स्विच ऑन कीजिए, और जब बलून फूल जाए तो स्विच ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम फीचर एंड डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि काफी अच्छी रेटिंग है इसकी। बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कितना वोल्ट लेता है और काफी उम्दे तरीके से ये ऑपरेट कर रहा है दोस्तों। तो ये सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, आप घर पे लगा सकते हैं दोस्तों। एक और मशीन आपको दिखा रहे हैं, इसकी कीमत 1899 है, मतलब 1900, पर इसकी भी रेटिंग अच्छी है। आप दोनों में से कोई भी मशीन ले सकते हैं, इसका भी लुक काफी अच्छा है। बात करें कि क्या इसमें स्पेसिफिकेशन में फायदा है या बेनिफिट है, कुछ खास नहीं है, आप दोनों में से कोई एक मशीन ले सकते हैं। अब आते हैं कि क्या आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हो 650 रुपए पर पैकेट आपको मिल रहा है, मतलब 65 पैसे की आपको यहाँ पे बलून मिलती है। और यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करके आप इसको निगोशिएट कर सकते हैं, मतलब 50-40 पैसे में तो बलून आ ही जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे कॉल नाउ का ऑप्शन होता है, वहां पे आप कॉल करके वहां पे निगोशिएट करके ले सकते हैं। और भी यहाँ पे अलग अलग ट्रेडर्स होते हैं जो अलग अलग रेट पे भेजते हैं, तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं जो आपके नजदीकी ट्रेडर्स होंगे, जो आपके सिटी के नजदीक होंगे, उनसे आप निगोशिएट कर सकते हैं। कुछ बलून काफी उम्दे तरीके के होते हैं, जैसे ये बर्थडे के बलून है जो आपको एकदम बीच मिडिल में सेंटर में लगाने की होती है, तो इसकी प्राइस ज्यादा होती है, तो ये भी आप बलून लेके आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये 1 रुपए की है, तो ये काफी उम्दा है दोस्तों। दोस्तों अगर आप नए तरीके से ये मशीन को यूज करके बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर भी सही है, और आप ऑलरेडी सजावट का काम करते हैं तो ये मशीन बना के आप लोगों का मैन पावर घटा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको लेबर की कम जरूरत होगी, क्योंकि जो मुंह से बलून को ब्लो किया जाता है उसमें काफी टाइम भी लगते हैं और काफी लोग मैन पावर भी लगता है, तो इसमें आपको लेबर की कमी होगी और इससे आपका अच्छा तरीके से सजावट में जल्दी हेल्प भी होगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या मार्केटिंग होती है। तो यार आजकल कोई भी सजावट कराइए आप 3,000 से 4,000, 5,000 भी होगी, मतलब नॉर्मल सजावट की। और इसमें लागत क्या है, मशीन तो आपके पास है, बस आपको बलून लाना होता है, तो बलून आपको 500 रुपए में मतलब एक पंडाल अच्छे तरीके से सजा सकते हैं, तो 500 में आप 200 पीस बलून आराम से ला सकते हो और पंडाल को सजा सकते हो। तो यार 500 रुपए का आपका लागत है और आप 2,000 से 3,000 रुपया उनसे ले रहे हो, तो सोचो कितना आपका मुनाफा है। और आप अगर नए हो तो पर भी ये बिजनेस आप कर सकते हो दोस्तों आजकल एलईडी बल्ब का ट्रेडिंग थोड़ी कम है, पर इस बलून की जो सजावट की ट्रेडिंग है वो कुछ ज्यादा ही है। तो सबसे पहले आप छोटे स्केल से स्टार्ट कर सकते हो, फिर बाद में अगर आपको ये बिजनेस चल गया तो एक से ज्यादा मशीन आप रख सकते हो और मैन पावर बढ़ा के अच्छे से अच्छे पंडाल आप सजा सकते हो दोस्तों। तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि इसमें लागत तो बहुत कम है दोस्तों। दोस्तों ये आइडिया आपको कैसा लगा, अगर ये आइडिया आपको पसंद आया तो अभी कभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको ऐसे ही अगर अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया सबसे पहले आपको मिल सके। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए।